हाय हाय क्या खुशबू है भाई। ओए रमन तू आ गया। नीलू रमन के लिए चाल है क्या? मैं आती हूं। रुको शिता, रूही कहां है? रूही अम्मा के पास थी, दीदी के साथ खेल रही है। एक्चुअली मुझे मुंबई जाना होगा। अचानक है ये भी? अचानक मुंबई? पुत्र सारा कुछ ठीक है? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। मिस्टर बंसल से मिलने जाना है, वो हमारे कंपनी के क्लाइंट है ना। उस झांकर ने इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है, सो मैं डायरेक्टली उनसे उनके ऑफिस जा रहा हूँ, उस उनके बॉस मिस्टर बंसल से मिलने। अच्छा फिर ऐसे कर, इसी तरह भी ना ले जा, इससे भी थोड़ा चेंज मिल जाना है। नहीं मम्मी इसकी जरूरत नहीं है, बट रमन बिजी हो गए, फिर रूही आगे गए, स्कूल चालू हो गए और आधे उसकी इंजरी, इन लोग को जरूरत है मेरी। आधे रूही के लिए हम सारे बैठे हैं इधर, है क्यों घर पुत्र? हम लोग हैं ना, बच्चों को संभाल लेंगे, जा आराम से। एक्चुअली मम्मी जी पापा जी मैं काम में इतना बिजी रहूँगा, काफ़ी स्ट्रेस है और पता नहीं मुझे कितने दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। इशिता वहाँ रहकर बोर हो जाएगी, फिर आप लोग बोलोगे कि बहू को मुंबई दर्शन नहीं कराया, शॉपिंग नहीं करवाई। कितने नहीं लेके जाना, काम काम काम, बच्चे ये तो सारी जिंदगी होना है पुत्र, इदा की है कोई तुम्हारी अपनी भी लाइफ करनी चाहिए, फिर कोई थोड़े प्राइवेट मोमेंट भी तो होते ने। चलो ही लिया नीलू साइड में। हां ये जाने से जाने से जाने से आओ इसमें आओ। अच्छा ये इनको वहां भेजना है क्या? नीलू ले आ यार, गर्मा गर्म चाय ले के आओ जी। भल्ला जी समोसे खाओ। गर्मा गर्म समोसे, क्या खुशबू है भाई। और रमन आ गया तू? नीलू रमन के लिए भी चाय ले आ। इशिता बोलती है रुको नीलू मैं ले आती हूँ। रमन ने रोका उसको, इशिता रुको रुही कहाँ है? अरे वो तो अम्मा के घर पर खेल रही होगी बेटी के साथ। एक्चुअली मुझे मुंबई जाना होगा। मुंबई? एंड अचानक की हो गया पुत्र? मुझे मिलने जाना था, वो हमारे कंपनी के क्लाइंट है ना, उस झांकर ने इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफी प्रॉब्लम क्रिएट की है, सो मैं उन्हें डायरेक्टली ऑफिस में मिलने जाने वाला हूँ, उसके बॉस से बंसल से मिलने के लिए।